दिल्ली की सड़कों पर दौड़ती एक तेज रफ्तार कार अचानक नहर में गिर गई। कुछ ही पलों में कार नहर में डूबती चली गई और गाड़ी चला रहा शख्स कार में ही दम तोड़ गया। ये बेहद दर्दनाक हादसा दिल्ली के न्यू अशोक नगर में हुआ। दिल्ली में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई है। राजधानी के न्यू अशोक नगर में एक तेज रफ्तार कार नहर में गिर गई। लाख कोशिशों के बावजूद कई घंटे तक कार का पता नहीं चल सका। कार चला रहे शख्स की लाश करीब 6 घंटे के बाद नहर से बरामद की गई। पुलिस के मुताबिक शाम 5:30 के आसपास एक तेज रफ्तार ऑल्टो कार कोंडली के पास नहर में गिर गई। नहर में गाड़ी गिरते ही लोगों ने पुलिस, फायर ब्रिगेड और बोट क्लब को खबर दी। नाव में सवार होकर नहर में हर तरफ कार की खोजबीन शुरू हुई, मगर गाड़ी पूरी तरह पानी में डूब चुकी थी। कहीं से भी कार का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। करीब 5 घंटे की मशक्कत के बाद रेस्क्यू में जुटे बोट क्लब के सदस्यों को नहर में डूबी कार की लोकेशन मिली। गोताखोरों की मदद से कार सवार युवक जाहिद को निकाला गया, मगर तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। इसके बाद कार को काफी मशक्कत के बाद नहर से बाहर निकाला जा सका। परिवार वालों के मुताबिक मृतक जाहिद अहमद अशोक नगर में रहता था। वो त्रिलोकपुरी से अपने घर जा रहा था। तेज रफ्तार की वजह से वो कार पर नियंत्रण खो बैठा और सीधे नहर में जा गिरा। 6:10 पे हमें फायर कंट्रोल से और डिजास्टर कंट्रोल से कॉल मिली थी। कोंडली नहर में चिल्ला रेगुलेटर के पास एक कार गिर गई है, तो जिसका रेस्क्यू करने के लिए हम 8 गोताखोर और एक मोटरबोट लेकर आए हुए हैं। हादसे की खबर मिलने के बाद मौके पर पहुंचे परिवार के लोगों को गहरा सदमा लगा। वो जिसका इंतजार कर रहे थे वो हमेशा के लिए जा चुका था। 6:30 से उसकी टेलीफोन करते रहे, मिला नहीं इसका टेलीफोन लगा रहा। इसकी ससुराल में बात करी थी तो वो कह रहे 3:30 हमारे से बात हुई है भाई। फिर इसके बाद में कुछ पता नहीं चला क्या है क्या नहीं है, टेलीफोन करते ही चले आ रहे, कोई पता नहीं चला। अब आगे पता चला कि गाड़ी डूबी पड़ी है जब हम यहाँ आए दौड़ते हुए। जब न्यू अशोक नगर में हुई यह घटना गाड़ी चलाने वालों के लिए बहुत बड़ा सबक है। रफ्तार के लिए अपनी जिंदगी से मत खेलिए। दीपक डालमिया के साथ अंकित यादव, दिल्ली आज तक। जेएनयू विवाद हर घंटे बड़ा होता जा रहा है और अब से कुछ देर पहले राहुल गांधी ने पूरे विवाद में केंद्र पर निशाना साधा है और कहा है कि हर विश्वविद्यालय में आरएसएस अपने लोगों को वीसी बना रही है और छात्रों की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है।